Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erica. So guys, it's our last part of chapter number 4, sorting materials into groups, जिसके आज हम next 2 pages करेंगे, page number 33 and 34. So जल्दी से start करते हैं पर page number 33, देखो इसका जो reading part है वो हमारा complete हो गया है last 3 classes में. आज just हम summary इसका book work and question answers cover करेंगे. जल्दी से start करते हैं. फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ मटीरियल्स. तो हमने कल भी देखा था जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपको कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जैसे आपको कोई टेबल है, ठीक है, वो टेबल आपके की डिफरेंट मटीरियल का हो सकता है. वो आपका स्टील का हो सकता है, वो आपका वुडन का टेबल हो सकता है, वो प्लास्टिक टेबल हो सकता है. इट मीन्स एक सिंगल ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे मटीरियल से बन सकता है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज द गिवन मटीरियल शुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सिमिलरली जो एक मटीरियल है, जैसे सिंगल प्लास्टिक ले लो, आप प्लास्टिक से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो. जैसे आप प्लास्टिक का पेन बना सकते हो, आप प्लास्टिक से चेयर टेबल बना सकते हो, बकेट कप बना सकते हो, ठीक है. थर्ड वन इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जैसे कि हमने देखा था कि अपीयरेंस डिफरेंट होती है सबकी, उनकी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट ट्रांसकुलेंसी ओपेक्यू होता है. कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ अनसोल्यूबल होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं एंड कुछ रफ भी होते हैं. तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज थी वो हमने कल कवर अप की थी. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है सम मटीरियल्स आर शाइनी. कुछ मटीरियल शाइनी होते हैं एंड कुछ डल होते हैं. कुछ हाथ लगाने पर जब हम टच करते हैं रफ लगते हैं एंड कुछ स्मूथ होते हैं. कुछ मटीरियल हार्ड होते हैं जैसे कि आपके मेटल्स हो गए एंड कुछ सॉफ्ट होते हैं जैसे आपकी कॉटन. नेक्स्ट वन इज सम मटीरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर जैसे कि आपका सॉल्ट एंड शुगर, बट अदर आर इनसोल्यूबल जैसे ऑयल. हमने देखा था जो ऑयल है वो वाटर के ऊपर एक लेयर बना लेता है, वो एक ब्लॉकेज कर देता है. नेक्स्ट वन इज सम मटीरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट क्योंकि वो लाइट पास होने देते हैं और हम उस ग्लास के आसपास देख सकते हैं. कुछ वुड जैसे ओपेक्यू होते हैं जो लाइट नहीं पास करवाते और उनके आसपास हम नहीं देख सकते. इन दोनों के अलावा एक होते हैं ट्रांसकुलेंट जिसमें से हमें थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, जैसे कि आपका ट्रेस पेपर. नेक्स्ट वन इज मटीरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड देयर प्रॉपर्टीज. हम सिमिलैरिटीज कैसे, जैसे हम एक हर राउंड शेप को अलग में ग्रुप कर दें, स्क्वेयर को अलग में ग्रुप कर दें, शाइन वालों को अलग में ग्रुप कर दें, हार्ड वालों को अलग, तो हम ऐसे जो उसकी ग्रुपिंग है वो कर सकते हैं. लास्ट इज थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस. कन्वीनियंस मतलब हमारा वर्क ईजी करने के लिए हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं और हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं. सो जल्दी से हमारी एक्सरसाइज पार्ट पे आ जाते हैं. समरी में हमने देखा कि हमने पूरे चैप्टर में क्या कुछ सीखा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम फाइव ऑब्जेक्ट्स विच आर मेड ऑफ वुड. बहुत ईजी क्वेश्चन है. देखो लकड़ी से आपकी कपबोर्ड बन सकती है, टेबल बन सकता है, आपकी पेंसिल जो होती है वो भी वुड से बन सकती है. सो टेबल चेयर डोर बोर्ड बेड एंड मैनी मोर आइटम्स कैन बी मेड ऑफ वुड. सेकेंड क्वेश्चन इज स्लैप दी दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर फॉर्म शाइन. इनमें से आपको बताना है कौन कौन से शाइन करते हैं. ग्लास बाउल प्लास्टिक टॉयल स्टील स्पून कॉटन शर्ट. तो देखो जो ग्लास का बाउल होता है वो शाइन करता है, आप नोटिस करना, बट जो प्लास्टिक का टॉय होता है वो शाइन नहीं करता. स्टील का स्पून भी शाइन करता है एंड कॉटन की शर्ट वो भी शाइन नहीं करती. देखो जो आपकी स्कूल वाली शर्ट है वो कॉटन शर्ट है बट वो शाइन नहीं करती. सो ग्लास बाउल एंड स्टील स्पून शाइन्स. नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन इज आपको मैचिंग करनी है. दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन. आपको बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना. सो फर्स्ट वन इज बुक. बुक किस से बना है, हमारा पेपर से. नेक्स्ट वन इज टम्बलर. देखो टम्बलर हमारा ग्लास का भी हो सकता है, टम्बलर हमारा प्लास्टिक से भी बन सकता है. सो यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से लिखे हुए हैं, आप इधर देख लो सेकेंड वाले बॉक्स में. जो हमारा बुक है वो हमारा बनता है पेपर से, टम्बलर बनता है ग्लास एंड प्लास्टिक से, चेयर आपकी वुड एंड प्लास्टिक की हो सकती है, और क्यों नहीं लिए, चेयर ग्लास की नहीं होती, चेयर लेदर की भी नहीं होती और चेयर पेपर की भी नहीं होती, है ना. सो टॉय भी आपका प्लास्टिक वुड एंड इसमें आप पेपर भी लिख सकते हो, आजकल पेपर टॉयज भी आ गए हैं. शूज़ आपके बनते हैं लेदर से. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं. स्टोन इज ट्रांसपेरेंट. क्या स्टोन ट्रांसपेरेंट है, आपका जो ये स्टोन होता है पत्थर होता है क्या आप इसके आसपास देख सकते हो. नो दिस इज फॉल्स. ग्लास इज ओपेक्यू, ग्लास के आसपास तो देख सकते हैं. सो हमारी फर्स्ट क्या हो जाएगी, फॉल्स. अ नोटबुक हैज लस्टर व्हाइल इरेजर डज नॉट. नहीं ऐसा नहीं होता, नोटबुक हमारी लस्टर नहीं होती तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स.
चॉक डिजोल्व इन वाटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि कल ही हमने एक्टिविटी की थी जब हम पानी में चॉक डालेंगे वो नीचे एक लंप बन जाएगा, वो डिजोल्व नहीं होगा. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. फोर्थ वन इज अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन द वाटर. येस दिस इज ट्रू. जो पीस ऑफ वुड है वो फ्लोट करता है क्योंकि जो उसका बायोन फोर्स है और जो उसका खुद का वेट है वो कम होता है. कल हमने बायोन फोर्स एंड वेट देखा था और देखा था कि कौन सी चीज़ें फ्लोट करती हैं एंड सिंक करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर. शुगर तो डिजोल्व हो जाती है और वो कलर भी नहीं चेंज करती पानी का. सो दिस इज फॉल्स. ऑयल मिक्स विद वाटर, ये तो उल्टा लिख रखा है. ऑयल तो मिक्स नहीं होता, वो तो ऊपर एक लेयर बना लेता है. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सैंड सेटल डाउन इन वाटर, दिस इज ट्रू. सैंड जैसे कि आपका चॉक पाउडर है वैसे नीचे सेटल डाउन हो जाता है. नेक्स्ट इज विनेगर डिजोल्व इन वाटर, ट्रू. विनेगर भी डिजोल्व हो जाता है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स. आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं. वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब. ग्लोब क्या होता है? जिसपे आपका वर्ल्ड मैप बना होता है. एप्पल एंड अर्दन पिचर. अर्दन पिचर होता है जो आपका घड़ा होता है, आपके घर में पानी का घड़ा होता है ना जो मिट्टी का, उसको बोलते हैं. ठीक है. सो आपको ग्रुप करना है इनमें से जो राउंड शेप के हैं एंड अदर शेप. अगर राउंड नहीं है तो कोई और, जैसे ऑरेंज की राउंड शेप है, बास्केटबॉल की राउंड शेप है, ग्लोब की राउंड शेप होती है. ठीक है. अर्दन पोर्ट की राउंड शेप होती है. ई टेबल एंड राउंड ई टेबल. तो ई टेबल देखो वाटर है बट बास्केटबॉल तो हम नहीं खा सकते. ऑरेंज ई टेबल है तो इसको ऐसे ग्रुप करना है. तो देखो जो राउंड शेप के हैं वो है बास्केटबॉल, एप्पल, ऑरेंज, ग्लोब एंड अर्दन पिचर. बट अदर शेप्स क्या है? वाटर एंड शुगर. शुगर अभी आपको क्रिस्टल में भी मिल सकती है. शुगर आपको पीसी हुई भी पाउडर फॉर्म में भी मिल सकती है ना. सो जो वाटर है उसकी तो कोई शेप नहीं होती. वाटर को आप जैसे बॉक्स में डालोगे उसकी वैसे ही शेप बन जाएगी. ई टेबल कौन कौन से हैं? वाटर, ऑरेंज, शुगर एंड एप्पल. एंड नॉन ई टेबल जो आपके बाकी बच गए, बास्केटबॉल, ग्लोब एंड अर्दन पिक्चर. ठीक है. सो लेट्स सी द सिक्स्थ क्वेश्चन. लिस्ट ऑल आइटम्स नो टू यू नो फ्लोट ऑन द वाटर. चेक एंड सी इफ दे फ्लो ऑन द ऑयल एंड केरोसिन. तो आपको क्या करना है? जितनी भी आइटम्स आपको लगता है कि पानी पे फ्लोट करेंगे उनका नेम लिखना है और आपको चेक करना है कि वो सेम आइटम ऑयल पे फ्लोट कर रही है या केरोसिन पे. तो देखो जो पेपर है वो पानी में फ्लोट करेगा, वुड फ्लोट करेगी, थिन प्लास्टिक की जो शीट होती है बहुत पतली वो फ्लोट करेगी, वैक्स, आइस, थर्माकोल एंड ऑयल. आप और भी बहुत कुछ लिख सकते हो जो भी आपको लगता है फ्लोट करती है. अब ऑयल पे इनमें से क्या कुछ फ्लोट करेगा? हमारा पेपर, प्लास्टिक शीट, वैक्स, थर्माकोल एंड वुड. नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ केरोसिन. अभी केरोसिन भी एक ऑयल की टाइप है. इस पर क्या क्या फ्लोट करेगा? हमारा पेपर, थर्माकोल, थिन प्लास्टिक शीट. देखो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे ना, अगर आप कोई और आइटम भी यूज़ करोगे अगर वो ऑयल एंड केरोसिन पे फ्लोट कर रही है तो आप यहाँ ऐड ऑन कर देना. ओके. सो लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, योर क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द ओड वन आउट. आपको ओड वन आउट निकालना है. काफ़ी सारे सिमिलर दिए होंगे, एक अलग से है. जैसे देखो चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड एंड बेबी. तो देखो बाकी सारी नॉन लिविंग थिंग है बट बेबी इज अ लिविंग थिंग. और आप ऐसे भी कह सकते हो बाकी सारी मटीरियल से बनी है बट जो बेबी है वो मटीरियल से नहीं बना. सो ओड वन आउट के आ गया बेबी, ऑल अदर्स आर नॉन लिविंग. सेकेंड वन इज रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस. तो देखो बाकी सारे फ्लावर्स हैं बट ये बोट फ्लावर नहीं है. थर्ड वन इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड सैंड. ये तो बड़ा सिंपल सा है, सैंड आएगा क्योंकि बाकी जो सारे हैं वो सारे मेटल्स हैं. एल्यूमिनियम भी हमारा मेटल है, आयरन भी, कॉपर. लास्ट वन इज शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट. इसमें क्या आएगा? देखो इसमें भी सैंड आएगा क्योंकि जो हमारी शुगर है वो भी डिजोल्वेबल है, सॉल्ट भी डिजोल्वेबल एंड कॉपर सल्फेट भी डिजोल्वेबल है. तो आपने देखा किस तरह से जो प्रॉपर्टीज हैं हमें वर्क, हमारी हेल्प कर रही हैं इन सब चीज़ों को सॉर्ट करने में, है ना. सो ये प्रॉपर्टीज पढ़नी बहुत ज़रूरी है मेटल्स की, मटेरियल्स की, जितने भी हमारे आसपास आते हैं. सो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स. लास्ट आपके चैप्टर में एक सुजेस्टेड एक्टिविटी है जो आपको कंप्लीट करनी है. इस एक्टिविटी में क्या है? एक आपको मेमोरी गेम प्ले करनी है. आप ये रीड कर लेना, बहुत इजी गेम है. अगर नहीं समझ आई तो बता देना, आई विल टेल यू इन द कमेंट सेक्शन. सेकेंड वन इज फ्रॉम अ लार्ज कलेक्शन ऑफ मटीरियल मेक ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड अदर प्रॉपर्टीज. इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको अपने घर में आसपास जितनी भी आइटम्स मिलेंगे आपको उन आइटम्स को क्या करना है? सॉर्टिंग करनी है, ग्रुप करनी है. किसके बेस पे? जितनी भी आपको इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज करवाई गई. उसके बाद क्या करना है? आफ्टर मेकिंग डिफरेंट ग्रुप्स फ्रॉम द कलेक्टेड मटीरियल
try and find out if there are any patterns in this group. For instance, जो ऑल materials which are luster conduct electricity, वो पूछ रहे हैं कि जितने भी material shine करते हैं क्या वो सारे electricity conduct करते हैं. तो देखो इसका जो answer है वो आपको आगे वाले chapters में मिलेगा. बस आपको ये sorting की activity करनी है, आपको उनकी properties learn करनी है. So properties कौन कौन सी थी appearance की? हार्डनेस, कुछ हार्ड होते हैं कुछ सॉफ्ट, सोल्यूबल इनसोल्यूबल, इसमें हमने तीन देखे थे, एक सॉलिड के साथ, एक लिक्विड के साथ और गैस के साथ, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट. तो ये सारे जो आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं इस चैप्टर में जो हमने पढ़ी सॉर्टिंग मटीरियल्स. नेक्स्ट जो आपके पेजेस हैं 35 एंड 36 एंड आपको जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस फुल चैप्टर यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर.